Please subscribe our channel and don't forget to press bell icon to get regular updates. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम फैटी लीवर के बारे में चर्चा करेंगे। लीवर की पूरी जानकारी मैंने अपने पहले वाली वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फैटी लीवर जो कि दो तरह का होता है, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक। अल्कोहलिक फैटी लीवर वो होता है जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा शराब पीना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी लेना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, ये उन व्यक्तियों में 90% फैटी लीवर होता है। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम अल्कोहल का सेवन बहुत ही थोड़ा करते हैं, उनमें भी फैटी लीवर पाया जाता है। उसका कारण यह होता है उनका खान पान, उनका लाइफ स्टाइल। खान पान में वो बहुत ज़्यादा जंक फूड का यूज़ करते हैं, तला हुआ समोसे, कचौरी, टिक्की, पिज़्ज़ा, बर्गर खाना, बहुत ज़्यादा मिठाई खाना, इससे भी फैटी लीवर हो जाता है। क्योंकि जो खाना बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वह पचेगा नहीं तो वह एक चिकना पदार्थ आव होता है उसको बनाएगा और वह हमारे लीवर पर जमा हो जाता है। 5 से 10% तक फैट अगर लीवर पर जमा हो जाता है तो उसे फैटी लीवर कहते हैं। लीवर को हम चीफ बॉडीगार्ड भी कह सकते हैं या चीफ कंट्रोलर भी है, क्योंकि लीवर तंदुरुस्त है तो हम बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन हो गया है तब हमें दिक्कतें आती हैं, तब हमें बीमारी लगती है। हमें लीवर को बिल्कुल स्वस्थ रखना है। कोई भी बीमारी हो तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर हमारा मनोबल मजबूत है तो हम किसी भी बीमारी से लड़कर उसको दूर भगा सकते हैं। और आज हम इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, यही देखेंगे कि हम बिना दवाई के अपने लीवर को प्रॉपर ठीक कैसे कर सकते हैं, सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं कि हमें लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, या लीवर सिरोसिस हो गया है, या लीवर में बहुत ज़्यादा हमें भारीपन लग रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हमें किसी व्यक्ति को कब्ज रहने लग जाएगी, किसी को बहुत ज़्यादा लू मोशन हो जाएंगे और पेट में भारीपन लगेगा, वज़न बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, एलर्जी। हमारी बॉडी में ऐसे 500 तरह की चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी सारी नहीं बता सकती, 2-4 मैंने बताई है। ये सब लक्षण होते हैं, जैसे पेट का बहुत ज़्यादा बाहर आ जाना, लीवर से हमें भारी भारी लगेगा पेट, क्योंकि वो लीवर का साइज अपने साइज से बड़ा हो जाता है। और इसके लीवर फैटी लीवर होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से 4 कारण मेन हैं। पहला होता है अल्कोहल, जो कि अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं। दूसरा कारण होता है इसमें अनुवांशिक भी हो सकता है यह रोग। और तीसरा होता है जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, भूख नहीं हो फिर भी घड़ी के अनुसार खाना खाते जाते हैं, जंक फूड खाना और बहुत ज़्यादा ऑयल, घी, रिफाइंड वाला खाना खाना, मिठाइयाँ खाना। और चौथा कारण इसमें आयुर्वेद के हिसाब से बताते हैं कि वात और कफ बढ़ जाने से भी मेदु धातु में यह बढ़ जाता है, मेदु धातु दूषित करता है। तो ये थे आयुर्वेद के अनुसार चौथा कारण। तो इस तरह से फैटी लीवर के बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। जो बेसिक 4 कारण थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब ये हमारा हो गया कारण, अब हमें चाहिए इलाज कि फैटी लीवर को हम ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे बड़ा इलाज तो इसमें है, हमें अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। इसमें हमें एक्सरसाइज को अपनाना होगा, क्योंकि हमारी बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। जो खाना हम खाएंगे वो पचेगा नहीं तो वो फैट जो है हमारे लीवर पर जमा हो जाएगा। क्योंकि जो लीवर से रस निकलता है, बाइल रस जूस जिसको बाइल जूस कहते हैं, वह उस फैट के टुकड़े करके उसको आगे पचाने में हमारी मदद करता है और हमारे ब्लड को डिटॉक्स करता है। वो सारा मैंने आपको बता चुकी हूँ। अभी हमें इलाज में ये करना है, हमें हमारी डाइट चेंज करनी है। हमें फैटी लीवर में हम लीवर क्लीनिंग भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है लीवर क्लीनिंग का। लीवर क्लीनिंग के साथ हमें अपनी डाइट में लिविंग फूड ऐड करना होगा। अब लिविंग फूड आप कहोगे कैसे,
क्योंकि मैं आपको बहुत ही शत प्रतिशत ये कहूंगी कि गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप 3 महीने तक रेगुलर लिविंग फूड खाएंगे तो आपका फैटी लीवर जड़ से खत्म हो जाएगा और यह कभी जिंदगी में दोबारा नहीं होगा। फैटी लीवर के साथ साथ आपके शरीर में और कोई भी प्रॉब्लम्स है वो भी खत्म हो जाएंगी। लिविंग फूड जैसे आपको खाना है फल, हरी सब्जियां, मेवे, दाल, स्प्राउट्स, ये सब खाने हैं। तो इसमें मैं आपको एक थोड़ा सा डाइट प्लान में बता देती हूँ कि आपको कब कब कितना कितना और कैसे खाना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते ही ग्रीन जूस लेना होगा। ग्रीन जूस आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ले सकते हैं, वह भी मैंने अपनी वीडियो दी हुई है ग्रीन जूस की, वह भी आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ग्रीन जूस में सबसे बेस्ट फैटी लीवर में लौकी का जूस रहेगा। लौकी का जूस लीजिए। लौकी किसी वक्त आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप खीरे का भी जूस ले सकते हैं। ग्रीन जूस में आपका मतलब है कि कच्ची सब्जियों का जूस हमें लेना है बिना पकाया हुआ, तो आप कोई भी अपनी सुविधा के अनुसार ग्रीन जूस लीजिए। वह नहीं हो किसी दिन तो आप एलोवेरा आंवला ले सकते हैं, सुबह सुबह हर्बल टी ले सकते हैं, लेमन ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं पानी में साथ मिलाकर। इस तरह से आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। फिर आपको उसके बाद पेट भरकर मौसम के फल या सीजनेबल फल खाने हैं जो कि खट्टे भी हों और मीठे भी हों और डार्क कलर के फल हों। ये हमारे लीवर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आप पपीते का जरूर सेवन कीजिए। पपीता हमारे लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। सेब भी बहुत अच्छा है। फ्रूट और सब्जियां कोई भी हो जो हम कच्चा खाते हैं वह हमें बेनिफिट ही देंगी, उसके कोई साइड इफेक्ट और कोई भी नुकसान नहीं है। तो आपको दूसरे नाश्ते में आपको प्लेट भरकर फल खाने हैं और उसके बाद आपको जब लगे कि थोड़ी सी हमें भूख लग रही है तो यह हमारे पास पंपकिन सीड है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यह पंपकिन सीड बहुत ही अच्छा है। इसमें ओमेगा 3 है, मैग्नीशियम, जिंक है, प्रोटीन है। यह प्रोटीन नेचुरल है, सब्जियों के द्वारा आया हुआ है तो बहुत ही हल्का है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी में, तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। 2 चम्मच पंपकिन सीड चबा चबा के खा लीजिए और एक साथ में अलसी आप खा सकते हैं, अलसी का भी सेवन कर सकते हैं। अलसी भी फैटी लीवर में हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है। इसमें ओमेगा 3, 6, 9 तीनों होते हैं और भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इससे हमारा पेट भी एक बार भर जाएगा और हमारी डाइट में भी अब बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे हमें। इसके बाद आप फ्रूट खाने के बाद जब आपकी इच्छा होती है तो ये खा लीजिए पंपकिन सीड और अलसी। उसके 2 घंटे के बाद फिर आप अपना लंच लीजिए। लंच में आपको गेहूं का आटा बहुत कम यूज करना है और आटा हमारा चोकर सहित होना चाहिए, मोटा और दरदरा। उस आटे को कम यूज हम कैसे कर सकते हैं? अगर आपको भूख है 3 चपाती की तो आप कहोगे 1 चपाती से मेरा पेट नहीं भरेगा, तो इसका मैं आपको इलाज बताती हूँ। आप 1 चपाती या 1.5 चपाती जितना आटा लीजिए, उसमें बाकी सारी कच्ची सब्जियां घस कर या मिक्सी में ग्राइंड करके आपकी सुविधा के अनुसार आप उस आटे में गूंद लीजिए। जैसे मटर क्रश कर लीजिए, गाजर कद्दूकस कर लीजिए और इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार गोभी, पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां कुछ भी डाल के उस आटे को आप बढ़ा सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आटा तो हमारे पेट में 1 ही रोटी जितना गया और हमें तसल्ली हो गई कि हमने 3 चपाती खा ली, हमारा पेट भी भर जाएगा और हमें जो गेहूं के साइड इफेक्ट है उससे भी बच जाएंगे, क्योंकि गेहूं हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जाना चाहिए। जैसे आपने 1 रोटी खाई है तो सब्जी 2 कटोरी खानी है, तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है और 30% सॉलिड होता है और हम क्या करते हैं इसका उल्टा खाते हैं। हम 70% तो सॉलिड फूड खाते हैं और 30% वाटर रिच फूड खाते हैं, जबकि हमें खाना 70% वाटर रिच चाहिए और 30% सॉलिड खाना चाहिए। तो हमें ये हमारी डाइट में जरूर चेंज करना होगा। अगर आपको बिना दवाई के ठीक होना है तो सिर्फ ये डाइट से ही आप ठीक हो सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, लेकिन जैसे कहा जाए उसको फॉलो करना होगा। तो तीसरा
खाना आपने लंच ले लिया, उसके बाद शाम को जब आपको भूख लगे, फिर इच्छा हो गई, तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, हर्बल टी ले सकते हैं, उसके साथ टोफू ले लीजिए, या जो मैंने आपको सीड्स बताए थे, सीड्स पंपकिन सीड और अलसी के सीड्स आप दो दो चम्मच खा लीजिए, तो आपका एक बार पेट भर जाएगा। फिर आपको डिनर में लेना है एक प्लेट भर के सैलेड, क्योंकि कच्चे सैलेड हमें जरूर खाना है, एक प्लेट भर के सैलेड खानी है। उस पर आप ड्रेसिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, जैसे काजू, बादाम, कच्चा नारियल की गिरी, उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके उसकी ड्रेसिंग कर सकते हैं। फिर आप उसके साथ ऑप्शनल, अगर आपका पेट नहीं भरा हो तो आप उसके साथ सूप बना के ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि अभी मेरी इच्छा और है, तो आप एक चपाती जो मैंने सुबह बताई थी लंच में लेनी है, वैसी ही चपाती आपको डिनर में लेनी है वेजिटेबल वाली। तो इस तरह से आप अपना थोड़ा थोड़ा खान पान चेंज कीजिए। और हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें खाना खाते वक्त 12 घंटे का व्रत जरूर रखना है डेली। जैसे अगर आपने रात को अपना डिनर 8 बजे फिनिश किया है, उसके बाद आप कुछ नहीं लेंगे, सुबह 8 बजे ही अपने दिन के पहले जूस से शुरुआत करेंगे। ये हमारा 12 घंटे का व्रत है, जिससे हमें जो पेट को टाइम, लीवर को, पेट को टाइम मिल जाएगा उस खाने को पचाने का, वो रेस्ट करने का। इस पे मैं अलग से लंबी वीडियो बनेगी, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हमारा डाइजेशन पावर कैसे बढ़ सकता है। तो हमें शुरुआत 12 घंटे से करनी है, 12 घंटे से लेके आप अगर इस फास्टिंग को 14 घंटे तक कर सके तो बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन अभी आप शुरुआत 12 घंटे से कीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी में 4 जीवित अंग हैं, लीवर, गाल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन। और संक्षेप में मैं कहूंगी कि हमें जो खाना खाना है वह जैसे ईट लिविंग फूड, जिसमें प्राण हो, जो हमें प्रकृति से मिला है, जो खेत से जो अन्न मिला है वह सीधा हमारी किचन में आए, न कि फैक्ट्रीज में जाए, पैक्ड फूड हो। तो यह होता है ईट लिविंग फूड, प्राण शक्ति। और दूसरा मैं कहूंगी कि ईट होलसम फूड, जिसमें पूर्णता हो, जैसे सफेद चावल की बजाय ब्राउन राइस खाना, और रिफाइंड के बजाय ओरिजिनल मूंगफली, तिल, सरसों का तेल खाना, या देसी घी खाना, या इससे भी सबसे बढ़िया है आप कच्चे नारियल की गिरी को ही यूज कीजिए। और तीसरा है हमारा प्लांट बेसिक फूड, जो कि खेतों से आए, हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का यूज करना चाहिए, पशुओं से नहीं मिले, गाय के दूध की बजाय हमें नारियल का दूध यूज करना है। और चौथा है हमारा ईट वाटर रिच फूड, जो कि रस से भरा हो। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट में डेली चेंज करेंगे, और आपको एक वीक में अंदर अगर आप प्रॉपर यही डाइट लें तो आपका फैटी लीवर 100% ठीक हो सकता है। तो इस तरह से आपने इस वीडियो से कितना लाभ उठाया, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इस वीडियो से आपको जो भी लाभ मिले उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।